नमस्ते, मैं हूँ गौतम कुमार और आप देख रहे हैं आपका शहजादा। मुझे लगता है ना कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर टीम है ना, उसको बवासीर पकड़ लिया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? पाकिस्तानी टीम को ही नहीं, पूरे पाकिस्तान को बवासीर पकड़ लिया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बवासीर पकड़ने का दो लक्षण होते हैं, एक तो कुत्ते जैसा भौंकना और दूसरा होता है ना बाप के सामने सर उठा के बोलना। सबसे पहले तो बेटा पाकिस्तान है, इंडिया का बेटा जो है वो पाकिस्तान है। साले ने सबसे पहले क्रिकेट होने से पहले, वर्ल्ड कप होने से पहले, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो उससे एक मंथ पहले से ही कुत्ता के जैसा भूकना शुरू कर दिया। और मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं पहले जवाब नहीं दूंगा, बाद में दूंगा मैं जवाब। एक एड बनाया, एड में जो भी कमांडो अपना अभिनंदन है, अभिनंदन वहां पे गए थे फिर आए। सबसे पहले साले को पहले समझना चाहिए बेटा को कि वो तो उसको 24 घंटा तक नहीं रखता है, जबकि कानून के गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी अगर आदमी बिना पासपोर्ट वीजा का विदेश में जाता है तो उसको 7 दिन तक कम से कम अपने मतलब वतन में रखना चाहिए, तब 7 दिन बाद 18 दिन, तो उसको 2 दिन तो नहीं रख पाए ठीक से, 48 घंटा क्या 24 घंटा भी नहीं रख पाए, 48 और 24 36 घंटा के अंदर में उसको रिटर्न कर दिए। सबसे बाप का पहले देखो, बाप का औकात देखो। उसने एड बनाया जिस तरह अभिनंदन को चाय पिलाया था सारी चीजें उस तरह से बनाने के बाद में अभिनंदन जा रहे हैं तो उन्होंने तो कप वहां रख दिया पहले जो अभिनंदन रियल में गए हुए थे तो। लेकिन ये जो एड बनाया पाकिस्तान ने उसमें कह रहा है क्या है? कप कहा लेकर जा रहे हो? अब बेटा तू उसी कप से खेल, अब दूसरी कप नहीं मिलने वाली है तुमको, उसी कप से खेलो। उसी कप है ना वो चाइना वाली कप, बेटा वही कप रखो, उसी में अब चाय जिंदगी भर पीना। अभिनंदन के बराबरी करो जिसको ऐड के लिए रखा है। सबसे पहले तो तुम्हारी माँ पैदा नहीं कर सकती है अभिनंदन जैसा बेटा, उसके आधे का भी नहीं दिख रहा है। जिसको अभिनंदन तूने बनाया है वो तो आधे का भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले अपने माँ को बोल कि उतना लंबा चौड़ा बेटा पैदा करे, पहले उतने जिगरा वाला बेटा पैदा करे। तुम्हारे गांव पिछवाड़े में जाके बम फोड़ के आया था वो, F-60 को गिरा कर पिछोड़े का बम फोड़ के आया था, फिर भी पूरे पाकिस्तान मिलकर एक घेवड़ा नहीं उखाड़ पाए। तो अब एड बना के चले होगी उसका बदनाम करने के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए। बार बार हारता है, बार बार हारता है फिर भी भोगता है, और इंडिया बार बार बेटा समझ के माफ करता है। इतना जरूर समझ के बेटा समझ के माफ करता है। तो जिस दिन सोच लिया ना उस दिन साले इतना पिछवाड़े में घुस के मारेगा ना कि फिर अवकात पे आ जाओगे, फिर टमाटर पानी के लिए बस अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करते रहोगे भाव। तो ऐसा एड बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा एड घटिया एड बना के बहुत बड़ी भूल की है। इस पे बहुत सारा कैबिनेट में भी बात हुआ है कि अभिनंदन को मजाक उड़ा जाता है, बी कमांडो अभिनंदन, वो खुद उसका देश जान रहा है कि अभिनंदन कैसा है, फिर उसके ऊपर एड बनाया। इसके पहले भी एक IIT के पोस्टर पे, वहां पे जहां पे IIT के क्लास चलाए जाते हैं वहां पे लिखा हुआ था, मतलब फोर्स बनो यानी कि पढ़ो लेकिन अभिनंदन मत बनो, यानी कि अभिनंदन के मजाक उड़ाई गई थी। तो उसमें भी कैबिनेट में मीटिंग होकर बहुत सारी चीजें एक्शन ली गई थी उसपे, इसमें भी एक्शन ली गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा मैच में क्रिकेट में इंटरेस्ट लेने में रणबीर कपूर, जितना पाकिस्तानी लड़की है ना सबके साथ सेल्फी लिया, सबके साथ मजे किया है, ये तो मैं कहूंगा कि बदला एक बार में चुका लिया रणबीर कपूर ने, बहुत अच्छा किया रणबीर कपूर ने, एक बार में बदला चुका लिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बेटा के घर तक जाए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ, अब कोई भी वीडियो नहीं करूंगा, 2 दिन पे एक वीडियो आएगा, रोस्ट वीडियो आएगा।